अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वेस्ट बंगाल के वीरभूम ज़िले में मुसलमानों की आपसी लड़ाई, सियासी लड़ाई, और सियासी लड़ाई में रात के अंधेरे में एक साहब ने जो अपने सियासी मुखालिफिन थे उनके घरों में आग लगा दी। 11 लोग जलकर कोयला बन गए। जलाने वाला भी मुसलमान था, जलने वाले भी मुसलमान थे। लड़ाई क्या थी? लड़ाई आपस की, इलेक्शन की लड़ाई, पार्टियों की लड़ाई और आपस में बड़ा बनने की लड़ाई, उसी लड़ाई के अंदर। तो मैं हमेशा एक बात यह कहता हूँ, भारत का मुसलमान जो जलील हुआ है और आज जो बेवज़न और बेकीमत हो गया है, जो लोगों की आँखों में जो चुभ रहा है, उसके लिए मोदी जी ज़िम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए योगी जी ज़िम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए RSS या यहूदियों की साजिशें ज़िम्मेदार नहीं हैं, खुद मुसलमान ज़िम्मेदार है। मुसलमान इनका आपस का जो तोड़ है, कहीं पे जमात के लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पे मसलकों के लड़ाई झगड़े हैं, कहीं मस्जिदों में लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो जिस कौम के अंदर जब आपस में ही इतना तोड़ पैदा हो जाता है, आपस में ही इतनी लड़ाइयाँ और आपस में ही इतने झगड़े पैदा हो जाते हैं ना, उनको बर्बाद करने के लिए मोदी जी की, योगी जी की और RSS की और यहूदियों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऐसे बर्बाद होते हैं। ये जो बर्बाद हो रहे हैं ना, ये जो जलील हो रहे हैं और एक दूसरे के घरों को खुद जला रहे हैं, 11 लोग जलकर कोयला हो गए कोयला। अगर यही वाकया कोई दूसरे समाज के लोग होते थे या आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, जैसे अभी जो है मथुरा के अंदर कोई गाय ले जाने वाले को कुछ लोगों ने रोका और उसके साथ में मारपीट की, तो वो वाकया तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है और उसके बारे में तो पूरी दुनिया के अंदर जो है हो गया है। यानी ऐसा अगर कहीं पर होता है किसी हमारे ईमान वाले चूड़ी वाले के साथ में या किसी जो है जानवर ले जाने वाले के साथ में, तो हम उसको एक इंटरनेशनल मुद्दा और इशू बनाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर खुद मुसलमान मुसलमानों के घरों को जलाए और जला के उनको कोयला बना दे, तो हमारे नज़दीक वो इशू नहीं होता है, वो हमारे नज़दीक मसला नहीं होता है, क्योंकि हमारी आँखों पे असबियत के, हमारे आँखों पे तासुब परस्ती के, हमारी आँखों के ऊपर जो है ना फ़िरका वारियत के पूरे ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला का ये अज़ाब आया हुआ है। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक्सा सिविल कोड नाफिज हो चुका है, वो सिर्फ हमारे आपस के तोड़ की वजह से। कुत्ते भी नहीं झगड़ते होंगे ऐसे, कुत्ते हैं ना, कुत्ते भी ऐसे नहीं झगड़ते होंगे जिस तरह के आपस के लड़ाई झगड़े मुसलमानों के मस्जिदों में, मुसलमानों के मदरसों में, मुसलमानों के तंजीमों में, मुसलमानों की तहरीकों, जमातों। मुसलमानों को पॉलिटिक्स और सियासत करना नहीं आती, इन्होंने नहीं आना चाहिए सियासत में। जो हमारे हिंदू भाई हैं ना, जो लीडर है ना, कोई शिवसेना का लीडर है, कोई राष्ट्रवादी का, कोई कांग्रेस का, कोई BJP का, ये हमारे जो हिंदू भाई सियासत करते हैं, लीडर उन्हीं को बना हुआ रहने देना चाहिए। मुसलमानों ने सिर्फ जिस पार्टी को वोट देना है वो देना चाहिए। मुसलमानों का काम नहीं है भाई, क्योंकि मुसलमान जो है ना इसको संभाल नहीं सकते। मुसलमान जो है ना नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को दुश्मनी और आपस का जो है कोई पार्टी को अगर लेके चलना है, ये मुसलमानों को नहीं मालूम है। दो मुसलमान अगर दो पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों में होंगे ना, तो भी वो एक दूसरे की जान के दुश्मन होंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे और सोशल मीडिया पे अपना झोपड़पट्टीपन बताएंगे। वैसा झोपड़पट्टीपन मैंने कभी दूसरे पार्टी वालों में नहीं देखा। मतलब हमारे हिंदू भाई भी जो बहुत सारे पार्टियों के अंदर होते हैं ना, उनमें इतनी मैच्योरिटी होती है, समझदारी होती है, आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट और इज्जत होता है, मुसलमानों में नहीं होता है। दो मुसलमान दो पार्टियों में रहेंगे, जब तक एक दूसरे को गालियां नहीं देंगे, जब तक एक दूसरे से झगड़े नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद जब तक एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, और ऐसी ख़तरनाक दुश्मनियां हो जाएंगी, एक दूसरे की जान के दुश्मन जब तक नहीं बन जाएंगे ना, उनको लगता है कि मैं अभी तक अपने पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं बना हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, मसले है ये मसले हैं। और हर गाँव हर बस्ती में आप देखना, जहाँ दो मुसलमान दो पार्टियों में है वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, जहाँ दो मुसलमान दो अलग अलग जमातों में है वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। अरे क्या हम जो है ये सियासत के को लेकर चलेंगे? हमारे मजहबी मामलों के अंदर मैंने खुद देखा हूँ, मस्जिदों में इमाम से झगड़े करवाने के लिए गुंडों को लाया जा रहा है। गुंडों को लेके आओ बोले बाहर से, पैसे दे के गुंडे बुलाए जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, सिर्फ आपस में जमातों के लाइन के समझो जो झगड़े हैं उसके लिए गुंडे,
पैसे दे के गुंडे लाए जा रहे हैं मस्जिदों में इमाम साहब को हटाने के लिए या उनके खिलाफ साजिशें और जो है षड्यंत्र करने के लिए। मैंने खुद देखा हूँ इस तरह से गुंडों को, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कौम है भाई, ये है मुसलमानों का हाल, एक दूसरे के ऊपर झगड़ों के लिए वरगलाने उकसाने के लिए, दूसरे को कैसा झगड़े के लिए वरगलाना उकसाना छोटी छोटी बातों को लेकर। मुझे खुद इस चीज़ का तजुर्बा है, मैं एक मस्जिद में इमामत करता था तो एक साहब का एक दुनियावी काम मेरे से नहीं हुआ, दुनियावी काम वो मैं नहीं कर सका उसका, तो वो सब लोगों को भड़काता था मेरे ख़िलाफ़ में लड़ाई करने के लिए, झगड़े करने के लिए। मतलब सिर्फ एक छोटी सी बात है, एक इंसान जो है इस चीज़ को समझ सकता है कि भाई किसी इंसान से अगर किसी का कोई काम, और ज़बरदस्ती है क्या तेरे बाप की ज़बरदस्ती है हमारे ऊपर? मतलब हमने करना तेरा वो काम, तेरे बाप की ज़बरदस्ती थी हमारे ऊपर तो हमने नहीं किए, तो लोगों को झगड़े के लिए वरगलाने का, लोगों को उकसाने का, अरे कैसे नीच और गिरे हुए और जलील लोग है रे। अल्लाह हिफाजत करे जो कौम मस्जिदों के मामलात के अंदर जिनमें इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जूते तो खाने वाले हैं वो, बराबर है ये जो योगी आदित्यनाथ को अल्लाह ने दोबारा कामयाबी अता की ना, तुम्हारे आपस के कुत्तों के जैसे झगड़ों की वजह से, आपस में जो है झगड़ों की वजह से कोई किसी की सनद को रद्द कर रहा है। आज मैंने सुना एक मुफ्ती साहब के जिनकी सनद रद्द की गई थी, जिस शहर का वो जो रहने वाला था, वो भामटा जो था उसके शहर में एक मदरसे को जो है पूरा का पूरा बुलडोज़र से उन्होंने ज़मींदोज़ कर दिए, उसी शहर के अंदर पूरा का पूरा ज़मीन लेवल पे वो पूरा मदरसा गिरा दिया गया, पूरा उसको ज़मीन लेवल पे कर दिए। क्यों? तुम्हारे अंदर उतनी मैच्योरिटी ही नहीं है किसी दूसरे मसले को जो है कहीं और लाकर, मतलब तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। मगर चूंकि वो आदाब और अखलाक बाप ने सिखाया ही नहीं है ना, कुत्ते झगड़ते वैसे कुत्तों के जैसी फितरत है कि अपनी भड़ास अपनी दुश्मनी जो है कहाँ पे किस तरीके से निकाली जाए, इनको ये आदाब और अखलाक ही नहीं मालूम है। इसलिए दोबारा अल्लाह ने योगी आदित्यनाथ को मुसल्लत किया और पहला फरमान उन्होंने ये जारी किया कि हर मदरसे के अंदर राष्ट्रीय गीत सुबह में पढ़ाया जाएगा, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हो, रोज़ सुबह में वहाँ पर जो है सबको जन गण मन आदि नायक जया है भारत भाग्य विधाता, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा सबको, सब सारे जितने मोहतमिम हैं, अबुल कासिम नौमानी खड़े हुए हैं, उनके बाजू में मौलाना अरशद मदनी है, उनके बाजू में जो है मौलाना सलमान मंसूर पूरी है, और उनके बाजू में जो है अब्दुल खालिक मदरसी है, और इधर से जो है दूसरे और उधर से सबको एक साथ में एक लाइन में खड़े रह के जो है जना गना पढ़ना पड़ेगा। ये कानून लागू और नाफिज हो चुका है सारे मदरसों के अंदर, ये आपस के दुश्मनियों का नतीजा है। मत आओ तुम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, मत करो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा, तुम्हारा लड़ो कुत्तों के जैसा, कुत्तों से बदतर हाल करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये लोगों को मुसल्लत करे हुआ है। अभी आगे देखो, अभी तो सिर्फ उत्तराखंड के अंदर जो है कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में, पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश के अंदर ये जितने हमारे प्राइवेट दारुल क़ज़ा चल रहे हैं सब टपरियाँ बंद करना पड़ेंगी अपनी, पूरा बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। आगे देखो अभी क्या क्या मसले आने वाले हैं, शुरुआत है ये शुरुआत। अगर यहाँ पे वही हाल नहीं हुआ जो बर्मा का होया हुआ है ना, तो मेरी बात को याद रखना तुमने, मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, जब तक जो है जैसे मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1960 में बोले थे वहाँ पे, लेकिन वो सारी चीज़ें 2000 के बाद उसके 40-50 साल बाद सामने आई, ऐसे ही हम भी जब तक रहेंगे या नहीं, लेकिन याद रखो तुम ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में कुत्तों के जैसी दुश्मनियाँ हैं रे, कुत्तों के जैसे लड़ो तुम, खाली आपस में एक दूसरे के खिलाफ फतवे दो, आपस में झगड़े करो, फिर भी तुम एक होने के लिए तैयार नहीं है। इतने सारे हालात देखने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इत्या, तुम वही अपने नफ्स की लड़ाइयाँ झगड़े और आपस में ज़रा से इख्तलाफ को बड़े इख्तलाफ बना के मदरसों में लड़ाई झगड़े, मस्जिदों में लड़ाई झगड़े, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े। तो इसके लिए ये जो मुसलमानों का तोड़ है ना, मुसलमानों को इनको अखलाकी मालूम नहीं है कि इख्तलाफ़ के आदाब क्या होते हैं। जमातों के इख्तलाफ़ है तो वो कैसे होना चाहिए, मस्जिदों में इख्तलाफ़ है तो उसका हल कैसे होना चाहिए, कहीं के भी लड़ाई झगड़ों को कहीं पे भी, जैसे मैंने बताया ना अभी, मेरा जो है एक साहब ने बाहर का कोई काम था उनका दुनिया का जो मेरे ज़रिए से नहीं हुआ, तो उसकी दुश्मनी मस्जिद के अंदर, भड़काओ लोगों को, उकसाओ लोगों को,
वरगलाओ लोगों को लड़ाई झगड़े के ऊपर। ये फितरत है भाई इस कौम की, इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कुत्तों के जैसी जिल्लत की मौत भी देता है। जो मरते हैं ना बहुत सारे कुत्तों के जैसी एड़ियाँ रगड़ के, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक जो है हर अमल का हिसाब है अल्लाह ताला के नज़दीक। बहुत लोगों को देखा हूँ मैंने ऐसे ऐसे जो है ना, बहुत लोगों को देखा हूँ मैंने जिन्होंने भी मस्जिद मदरसों में और दीनी मामलात में नफ्स परस्ती की है, कुत्तों से बदतर जलील हुए, वो कुत्तों से भी बदतर जिल्लत की मौतें दी अल्लाह ताला ने ऐसों को, जिल्लत की मौतें, उनकी मौतें भी लोगों के लिए इबरत का नमूना बनी। एक बात याद रखो मेरी, यही हाल होने वाला है अभी आगे, क्योंकि तुमको आता नहीं रे, तुमको आता नहीं, तुमको ना सियासत के अंदर जो है इख्तलाफ कैसे होना चाहिए। अब देखो मैं आपको सियासत पे भी बताता हूँ। अभी जो है एक साहब एक पार्टी से खड़े हुए थे पिछली मरतबा इलेक्शन में, तो अब चूंकि हमने जो है कौम की हमदर्दी के अंदर उनकी ताइद में एक बयान दी, हमने बोले भाई ऐसा ईमान वाले जो है अगर रहेंगे तो सब लोगों ने ऐसों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमने खुल के जो है किसी एक का साथ देना चाहिए। अब उसके दो साल के बाद, यानी हमने जो ताइद किए उसके दो साल के बाद में मेरा जो है किसी मसले के अंदर इख्तलाफ हो गया, और मेरा जो है वो, तो मैंने देखा कि मेरा वो बयान जो है, मेरा वो जो मैंने एक पार्टी का जो समर्थन किया था वो क्लिप, वो दो साल के बाद में सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है दूसरी पार्टी के, और वो सब ग्रुप मुसलमानों के ही है, और उसमें ये कहा जा रहा है देखो देखो इन्होंने आज से दो साल पहले उनका उनकी ताइद किए थे, क्यों तुम्हारे बाप का डर है, तुम्हारे अब्बा से परमिशन लेना चाहिए था हमने कि हमने किसका समर्थन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमको उम्मीदवार अगर सही लगेगा ना, हम शिवसेना के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, हम राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, हमको जो भी उम्मीदवार सही लगेगा हम वो उम्मीदवार को हमारी तरफ से पूरा समर्थन सपोर्ट नहीं देंगे, बल्कि उसके साथ में रैली में चलेंगे। तुम्हारे बाप का डर है हमको, नहीं नहीं तुम्हारे बाप के पास आना पड़ेगा हमको अप्रूवल लेने के लिए, हमने किसका समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साले दलिंदर मारू गंदी गलीज सूरत के बिसांदे साले, तो ये ऐसे गलीज और नीच और गिरे हुए लोग हमारी कौम के अंदर आपको मिलेंगे, कहाँ की दुश्मनी कहाँ पे लेकर आने का। दो साल पहले का क्लिप जो है वो इन्होंने वो पार्टी का सपोर्ट किए थे, करेंगे रे ज़रूर करेंगे, अभी आने दो कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में भी हम जो है उम्मीदवारों के साथ में, जो उम्मीदवार हमको अच्छा लगेगा हम उसके साथ रैली में चलेंगे, और आन दो अभी विधानसभा के भी इलेक्शन और कोई भी इलेक्शन में। मगर हमको ये इख्तलाफ समझ में नहीं आता है भाई, हर आदमी को पूरी आज़ादी है, वो कोई किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकता है, उसकी मुखालिफत उसका साथ नहीं दे सकता है, मगर ये हमको नहीं समझ में आता है। हमको तो अगर हमारे अपोजिशन पार्टी में जिसने समर्थन कर दिया या जो सामने वाले लीडरों के साथ में दिख गया, अब जिंदगी भर के लिए दुश्मन हो गया वो हमारा खानदानी दुश्मन, हमारे उसके जैसे प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, क्योंकि आता नहीं भाई हमको, हमको हमने नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से जो हुकूमतें छीना ना इन्हीं वजूहात की वजह से, नहीं आता हमको, नहीं संभाल सकते हम, इसीलिए मैं बोलता हूँ नहीं खड़े रहना चाहिए। मुसलमानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को नहीं आता है, मुसलमानों में जो आपस में ही दुश्मनियों के अंदर, जैसे मैंने अभी पिछले साल भी बताया था आदिलाबाद का जो वाकया जुम्मे के दिन आपस के इलेक्शन के झगड़े, और जो हारे हुए उम्मीदवार साहब थे वो गन लेके आ गए रोड के ऊपर और फायरिंग कर रहे हैं, वो मिर्ज़ापुर में के जैसी ऐसी पूरी फायरिंग गली के अंदर ही अपने ही लोगों के ऊपर, और जो सामने वाला उम्मीदवार था ख़त्म हो गया वो 8 दिन के बाद में खलास, और ये जनाब जो है ये अभी जेल के अंदर है। मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है छोटी सी लड़ाई और झगड़ा, क्योंकि हमको आता नहीं। और वहीं मैंने दूसरे पार्टी के अभी उम्मीदवारों को देखा यूपी के ही अंदर के एक एरिया के अंदर, जो है एक पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, दूसरे पार्टी का जो हारा हुआ उम्मीदवार था वो हार लेके उसके घर पे पहुंचा उसको मुबारकबाद देने के लिए, चलो भाई आपको मुबारक हो आप जीत गए मैं हार गया कोई बात नहीं। उसने कुदरत के इस फैसले को कबूल किया। मियाँ भाई वैसा नहीं करेगा, मियाँ भाई क्या करेगा यार, वो सामने वाले पार्टी में कौन कौन थे रे, लिस्ट बनाओ उनकी, अब सबका पीछा पकड़ो उनका, अब अपनी दुश्मनी निकालो उनके ऊपर, अब लड़ाई आपस में झगड़े आपस में कोर्ट कचहरी आपस में केसेस एक दूसरे के, क्योंकि मियाँ भाई को आता नहीं पॉलिटिक्स भी करना नहीं आता, और ना ही ये हमारे बस की बातें ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे हिंदू भाइयों ने ही खड़े होना चाहिए इलेक्शन के अंदर, और हमने सिर्फ वोट देने का काम करना चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है, नहीं कर सकते हम ये।
वरना अगर फिर ऐसे झगड़े होंगे कि खुद मुसलमान मुसलमान के घर को, जैसे वीरभूम के अंदर मुसलमान ने मुसलमान के घरों को जला दिया, कोयला बन गए वो। यही चीज़ अगर कोई दूसरे समाज, दूसरे धर्म, दूसरे मजहब का इंसान करता था ना, अभी तक तो पूरे यूनाइटेड नेशन में हंगामा और धिंगामा हो जाता था कि भारत के अंदर मुसलमानों पर ऐसे अत्याचार और जुल्म सितम और मुसलमानों पर ऐसा जो है हो रहा है बोल के। ये मसले हैं हमारे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए भाई मैं आखिरी में फिर यही कहूँगा, आज भारत में जो मुसलमान जलील है, खार है और जो जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है, इसके लिए ना मोदी जी ज़िम्मेदार है, ना योगी जी ज़िम्मेदार है, ना ही आरएसएस ज़िम्मेदार है, ना ही यहूदो नसारा ज़िम्मेदार है, खुद मुसलमान ज़िम्मेदार है। मुसलमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।